हेलो दोस्तों, गेकोस गैरेज में आपका स्वागत है। आज हम बॉबी द बस का चेकअप कर रहे हैं। बस होने ही वाला है। रुको, मैकेनिकल्स, मैं अभी भी बस के ऊपर हूँ। बॉबी, बॉबी, ओ डियर, वो मुझे सुन नहीं सकता। मैकेनिकल्स, जल्दी करो, मुझे यहाँ से निकालो। ओ, वो देखो, सामने एक ब्रिज है। बॉबी तो बहुत तेज जा रहा है। अरे वो देखो, एक ऊंचा ब्रिज। यही सही वक्त है मैकेनिकल्स, अगर मैं इसे पकड़ सकूं। छूट गया, अब क्या करूं? बहुत अच्छे येलो, तुमने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं बॉबी, तुम्हें मालूम नहीं था और किसी को चोट भी नहीं लगी। मदद के लिए शुक्रिया मैकेनिकल्स, मैं तुम्हारे बिना क्या करता। बाय। इस महान रेस में आपका स्वागत है, जहां मैं विल्बर टी वीजल इस शहर का सबसे तेज मैकेनिक है, और मेरा साथ देगा मेरा टर्बो पावर्ड मॉन्स्टर ट्रक। फिक्र मत करो टिली, हमें जीतने के लिए टर्बो इंजन की जरूरत नहीं है, तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगी। तो गेको, जब लाइट हरी होगी तब रेस शुरू होगी। रेडी स्टेडी गो। चलो चलो टिली ट्रक, चलो। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मुझे मेरा चमकीला मेडल मिले, जो मेरी चमकीली घड़ी के साथ मैच करेगा। हाँ, ऐसे ही टिली, धीरे धीरे, आराम से। टर्बो पावर एक्टिवेट हो। जाकर उन्हें बचाना होगा। हम डूब रहे हैं, बचाओ। फिक्र मत करिए मिस्टर विल्सन, हम आपको यहाँ से जल्दी बाहर निकाल देंगे। शायद तुम बिल्कुल ठीक तरीके से जीते, पर देखना अगली बार मैं ही जीतूंगा। ऐसे ही मजेदार रेसेस को देखने के लिए गेको के गैरेज में आइए। बाय बाय। तो मैकेनिक दोस्तों, मैक्स चाहता है कि वो बेहतरीन तरीके से कूद पाए, तो हमें उसके इंजन को अपग्रेड करना होगा। ब्लू, जरा देखो दरवाजे पे कौन है। कौन है ब्लू? उम्मीद है तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आएगा गेको। ये क्या है, एक तोहफा? पता नहीं किसने भेजा होगा। वाओ, एक नया कार जैक, टेस्ट करके देखता हूँ।
जैक में मैंने स्प्रिंग लगा दी है, इसलिए जैक वो नहीं करेगा जो उसे करना चाहिए। थैंक्स मैकेनिकल दोस्तों, मुझे लगा कि कार जैक टूट गया होगा शायद। एक मिनट जरा। ओके मैक्स, अब ट्राई करके देखो। हर चीज की एक खास जगह होती है। बहुत अच्छे दोस्तों। उच्ची। मैकेनिकल्स, तुम सब अच्छे दिख रहे हो। हेलोवीन के लिए सब तैयार हैं। तिली भी इसमें शामिल हो रही है। क्या बात है ग्रीन, क्या बाहर एक मॉन्स्टर है? मैं बाहर जाके देखता हूँ। मैकेनिकल्स चिंता मत करो, मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती है। हेलो हेलो, क्या तुम ठीक हो दोस्त? अंधेरे में से बाहर आओ। ओह डियर मैक्स, तुम्हें हेलोवीन सफाई की जरूरत है। आओ कार वॉश में चलते हैं। मैकेनिकल्स चिंता मत करो, याद रखो कोई मॉन्स्टर नहीं है। क्या तुम तैयार हो मैक्स? यहाँ आ जाओ मैक्स, अब और डरने की जरूरत नहीं। सभी को हेलोवीन मुबारक हो। हेलो दोस्तों, आज ग्रीन का बर्थडे है और हम एक बीच पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। आराम से, ये हीलियम के बलून्स हैं, इसलिए ये उड़ते हैं। सब कुछ तैयार है, हम बस फियोना फायर ट्रक का इंतजार कर रहे हैं केक लाने के लिए। ध्यान से फियोना, आगे मत आओ, आगे गीली रेत है। जल्दी करो, हाई टाइड आ रहा है। हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे फियोना। आहा, हम सारे बलून से फियोना को लिफ्ट कर सकते हैं। जानता हूँ तुम्हें बलून्स अच्छे लगते हैं, पर फियोना को उनकी जरूरत है। हमें दे दो प्लीज। काम बन गया, काम बन गया। ओ, कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया, वो उड़कर दूर जा रही है। समझ गया, चलो चलो मैकेनिकल्स। बहुत अच्छे मैकेनिकल्स। देखो पार्टी के और मेहमान भी आ गए।
आप सबके आने से खुशी हुई। बलून्स देने के लिए शुक्रिया ग्रीन, एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। हुरे! गेकोज़ गैरेज में आपका स्वागत है। आज कितना सुहाना दिन है, इसलिए रेड छत पर जा रहा है। वो वहाँ जाकर हमारे नए सोलर पैनल की फिटिंग करेगा। ये सूरज की ऊर्जा को सोख लेंगे और इसे पूरे गैरेज के लिए बिजली में बदल देंगे। हेलो बॉबी। वाओ, ये तुम्हें क्या हुआ? बहुत गंदे दिख रहे हो, हमने तो कल ही तुम्हारी सफाई की थी। कोई बात नहीं, स्प्लिश स्प्लैश फ्लॉश एक्टिवेट करो गेकोज़ कार वॉश। हो गई सफाई, अब तुम चलने के लिए तैयार हो बॉबी? हाँ? ओ, तुम तो फिर से गंदे हो गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है तुम्हारी सफाई हाथों से करनी होगी। लो, हो गए साफ। तुम अपने रूट पर जा सकते हो बॉबी। अच्छा, इसलिए तुम गंदे हो रहे हो, तुम्हारा पुराना पेट्रोल इंजन। क्या तुम्हें एक नया और साफ सुथरा इलेक्ट्रिक इंजन चाहिए बॉबी? सोलर पैनल्स तैयार हैं? सोलर पैनल सूरज से ऊर्जा लेते हैं और बॉबी को चलने के लिए क्लीन पावर देते हैं। हुरे! तो आप सबसे फिर मिलेंगे दोस्तों गेकोज़ गैरेज में। साइन को फिर से पेंट करने का वक्त आ गया है। ब्लू, जरा कलर उठाओ और मदद के लिए तुम ऊपर जाओ। अरे नहीं, फियोना का बम्पर टकरा गया है। अंदर आओ, तुम्हें ठीक करते हैं। ग्रीन, हमें स्ट्रॉन्ग गम की जरूरत होगी प्लीज। हरा नहीं होना चाहिए। हाँ, गम येलो और ब्लू के पास हो सकता है। जल्दी रेड, जल्दी से छत पर जाओ। ओ बेचारा रेड, अब छत पर कहीं और से चढ़ना पड़ेगा। ओ डियर, यहाँ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। गम पूरी तरह से सख्त होने से पहले तुम्हें आजाद करना होगा। फियोना, क्या मैं तुम्हारा पाइप ले सकता हूँ प्लीज? हाँ। फिक्र मत करो मैकेनिक साथियों, जल्दी से तुम्हें आजाद कर देंगे। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, अब फियोना और मैं दोनों अच्छे लग रहे हैं। देखो राइट, कैट आ गई है। हेलेना हेलीकॉप्टर पर हमने जो नए विंटर स्किड लगाए थे, उससे वो बर्फ पर आराम से उतर पाएगी। ईहा! तुमने कर दिखाया हेलेना। कैसी हो कैट? कैसे हो गेको? देखो राइट, कैरी और बैरी स्नोमैन बना रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है, वो सब दूर जा रहे हैं।
चलो चलो टिली टो ट्रक। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, हम तुम्हें बचा लेंगे। हाँ, पकड़ लो कैरी। कैट, क्या तुम बैरी तक पहुंच सकती हो? हाँ बिल्कुल। हेलेना चलो। बटन दबाओ रेड। हमने कर दिखाया। हाँ, काश हम स्नोमैन को भी बचा पाते। गेको? ये तो गेको है। कोई बात नहीं कैट, आखिर में हमें स्नोमैन मिल ही गया। या फिर स्नो गेको ही कह दो। हाँ, शुक्र है कि अब तो बारिश बंद ही हो गई। अब हम मजे से पिकनिक मना सकते हैं। हेलो, मैं शहर में नहीं हूँ। कैट है मेरा नाम और बचाना है मेरा काम। मैं यहाँ सबको सुरक्षित रखने आई हूँ। हेलो कैट, मैं हूँ गेको और ये सारे मैकेनिकल्स हैं। हम सब पिकनिक मना रहे हैं, तुम शामिल होना चाहोगी? क्या तुम्हारे पास चिकन सैंडविच है? हाँ अगर है तो। तुम्हारे पास है क्या? हाँ। मैं आ रहा हूँ। ओह नो, बहुत ज्यादा कीचड़ है। टिली फिसल कर दूर जा रही है। चलो हेलिना, किसी को बचाना है। मैं पहुंच नहीं पा रही। संभल कर टिली, ध्यान से चला ब्लू। मैं पहुंच नहीं पा रहा। गेको, छतरी इस्तेमाल करो। बाल बाल बचे। चलो तुम फिर से साफ हो गए टिली। हमारी टीम का जवाब नहीं गेको। बिल्कुल सच कहा। मदद के लिए शुक्रिया कैट। हेलो बॉबी। ओह डियर, चलो तुम्हारा पुराना बम्पर बदलते हैं। ठीक है मैकेनिकल्स, क्या तुम लोग बम्पर निकाल सकते हो? बहुत सावधानी से। ओह संभल के, संभल के। सावधान मैकेनिकल्स, हमें एक साथ करना है। थैंक्स ग्रीन। ओह डियर, मैकेनिकल्स तुम्हें अब इसकी मरम्मत खुद करनी होगी। ग्रीन, थैंक्स ग्रीन।
मैकेनिकल्स, तुम्हें एक साथ करना होगा। ओह, अच्छा काम किया मैकेनिकल्स। देखा एक छोटी सी टीम कैसे काम करती है। बॉबी, अब तुम ठीक हो। नाइस कैच ग्रीन। तेजी से गैरेज के दरवाजे को खोलो, अभी वक्त है। बहुत सारी गाड़ियों को मदद की जरूरत है। यकीन नहीं होता मैकेनिक साथियों, गर्मी से हमारे दोस्तों के पहिए की हवा निकल गई है। अरे नहीं, लगता है गाड़ियां इंतजार करके थक गई है। यकीन नहीं होता मुझे, मुझे इतने सारे टायर इतने जल्दी फिट करने होंगे। हाँ, वैसे फास्ट टायर से याद आया, ये आवाज तो बिल्कुल दादी माँ की बाइक। कहाँ है मेरा छोटा गैकी, जिसे कितना बड़ा काम करना है। आपको कैसे पता? छोटे ब्लू ने मुझे सब बता दिया। कभी कभी मदद मांग लेना ठीक होता है बेटा। आप दोनों का शुक्रिया। मदद करके खुशी हुई, जैसे तुमने हमेशा मेरी मदद की है और बाकी सब की भी। तो बच्चों, चलो इन्हें ठीक किया जाए। आपका जवाब नहीं दादी माँ। हाँ मैकेनिक साथियों, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे गैकी के काम का जवाब नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगा। जल्दी लौट कर आना। शुक्रिया दादी माँ, मैं कभी भी आपके बिना ये नहीं कर सकता था। और दिन भर बहुत सारे जोक्स भी मार सकते हो तुम। तो बताओ, भूख किसे लगी है? आपको आराम करने की जरूरत है दादी माँ। पर मैं तुम्हारी फेवरेट बनाकर लाई हूँ, मेरा स्पेशल एप्पल पाई। शुक्रिया मम्मी ट्रक, शुक्रिया मामा रिसाइकल, अब सब कुछ ठीक है। और याद रखना दोस्तों, आज वैलेंटाइन्स डे है और हम बॉबी ट्रक की मदद से मम्मी के लिए डिनर बना रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा राज है। तुम खाना तैयार करो, मैं मम्मी को बिजी रखता हूँ। देख लेता हूँ कि आपके पहिए ठीक है या नहीं। लगता है कि बाहर हवा चल रही है। चलिए देखते हैं कि आपके बोर्ड्स टाइट है या नहीं। हाँ, हो। आखिरकार सारा काम हो गया। टडा! हैप्पी वैलेंटाइन्स डे मम्मी और मामा, आपका स्वागत है। पर ये बेबी ट्रक का आइडिया था। बहुत बहुत शुक्रिया बेबी ट्रक, तुम्हारी मम्मी बहुत ही ज्यादा खुश है। आज काफी जल्दी आ गया रिक। मैकेनिकल्स,
एरिक को अपनी मरम्मत करवानी है। चलो उठो आलसियो, रात भर चार्ज करने के बाद भी तुम एक्टिव क्यों नहीं होते हो? चलो एरिक की मरम्मत कर दो ताकि वो काम पर जा पाए। समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें आज हो क्या गया है। वाह, तुमने ठीक कहा एरिक, इनकी चार्जिंग रात भर ऑफ थी, शायद इसलिए थके हुए लग रहे हैं। चलो सारे आलसियो, चार्ज होने का वक्त आ गया है। ओ चेकमेट, ये ओके मैकेनिक साथियों, अब तुम तरोताजा हो गए हो, तो काम खत्म करें। जल्दी ही आपसे गैको के गैरेज में फिर से मिलेंगे। ये अच्छी खुशबू क्या है? जी हाँ, हर ग्राहक के लिए एक फ्री कबाब। इससे मुझे और ग्राहक जरूर मिलेंगे। तुम अंदर जाओ एरिक। जल्दी से पको। कुछ जल रहा है क्या? पता नहीं इसको अब क्या हो गया। नहीं, मेरी खूबसूरत बारबेक्यू। फियोना, फायर ट्रक, यहाँ आग लग गई है। ये आवाज कैसी? जल्दी से उस आग को बुझाते हैं। जाओ जाओ मैकेनिकल्स। बचाओ बचाओ, जल्दी करो। ये क्या किया? उफ, माफ करना, पाइप उतनी दूर नहीं पहुंचेगा। अच्छा आइडिया फियोना, आओ फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें। हो, मैंने पकड़ लिया। शुक्र है सब सही सलामत है, सभी ने अच्छा काम किया। जल्दी मिलते हैं, बाय। थैंक्स रेड। आज बहुत ज्यादा गर्मी है, उधर देखो। हा? बेबी और माँ पिकनिक के लिए जा रहे हैं, लेकिन बेबी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो बेबी ट्रक, आओ तुमको देखते हैं, पता लगाते हैं क्या गड़बड़ है। तो ये प्रॉब्लम है, तुम बहुत गर्म हो गए हो। मैकेनिकल जल्दी थोड़ा पानी लेकर आओ। हम्म,
तुमने ठीक तरह से पानी नहीं पिया है, है ना बेबी? जब बहुत ज्यादा गर्मी हो तो हमें ढेर सारा पानी पीना चाहिए, अब बेहतर है। पर मेरे ख्याल से तुम अभी भी गर्म हो। हाँ, समझ आ गया। कार वॉश के टेम्परेचर को बहुत ठंडा कर दो रेड। चलो अंदर जाओ बेबी ट्रक, अब ठंडा होने का समय है। अब सब ठीक है, अब तुम पिकनिक पर जा सकते हो। तुम्हारा समय अच्छा गुजरे। बाय। अब मैक्स। ये इतना शोर शराबा कैसा है? बढ़िया लैंड किया मैक्स। नए सस्पेंशन रिंग की मदद से तुमने बहुत अच्छे से लैंड किया है मैक्स। इसका मतलब बैकअप प्लान की जरूरत नहीं है एविट। मुझे बस इसमें थोड़े से और बदलाव करने हैं। तुम अपने भाई जैसा बनना चाहती हो ना मॉली? तुम यही रुको। गेको के मुकाबले मैं तुम्हारे पहियों को बढ़िया सस्पेंशन दूंगा, देखना तुम। बस हो गया मैक्स। ये क्या है? ये तो ज्यादा उछल रही है। ओह नो, मॉली कुछ ज्यादा ही उछल रही है। हमें उसे रोकना होगा। चलो रेड, बैकअप प्लान यूज करते हैं। रेडी रेड, और अब बैकअप प्लान यूज करते हैं। अब सब कुछ ठीक है मॉली। मुझे पता है तुम अपने बड़े भाई के जैसा बनना चाहती हो। चलो तुम्हारी स्प्रिंग को ठीक करते हैं। हो जाए मॉली। केको को लगता है कि वो मुझसे बेहतर स्प्रिंग्स बना सकता है। नई स्प्रिंग्स का मतलब है तुम ठीक से लैंड करोगी, इसलिए बाय मॉली। अब जाओ और खेलो। बहुत बेहतरीन हेलोवीन कॉस्ट्यूम मैकेनिकल्स। क्या तुम सब ट्रिक या ट्रीट के लिए तैयार हो? सॉरी मैकेनिकल्स, मुझे बेबी ट्रक का ऑयल चेंज करना है। तुम चलो, मैं आता हूँ। ट्रिकी ट्रीट, वाह! तुम्हें कोई मिठाई नहीं मिलेगी जब तक तुम मुझे नहीं डराओगे। और मुझे कोई नहीं डरा सकता। बकवास, मुझे लगता है कि मुझे इन सभी मिठाइयों को अकेले ही खाना पड़ेगा। तुम इतनी जल्दी आ गए? ओह, आई एम सॉरी मैकेनिकल्स। रुको, क्या बात है बेबी ट्रक? ये एक अच्छा आइडिया है। फिर से कोई ट्रिक या ट्रीट्स के लिए आया होगा। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं नहीं करना चाहता। बहुत अच्छा बेबी ट्रक, उसे हेलोवीन का डर मिल गया है।
हैप्पी हैलोवीन। ये तो डरन का डंपर ट्रक है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आपके डंपर ट्रक में प्रॉब्लम है क्या? चलो मैकेनिकल साथियों। समझ गया, आपका डंपर ट्रक आपकी सारी चीजें फेंक रहा है। मुझे लगता है कि पिस्टन बदलना पड़ेगा। पिस्टन लाता हूं, तब तक तारों को काट दो ताकि ये सारी चीजें गिर ना पाए। इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे ये तार वापस कैसे जुड़ गए? अच्छा तो वो तुम थे जो तार वापस जोड़ रहे थे। चलो कोई बात नहीं, बहुत मजाक हो गया, अब हम अच्छे से काम करते हैं। तो ये रहा तुम्हारा पिस्टन डियर, पर तुम्हारा पुराना पिस्टन भी काम आ सकता है। ओके मैकेनिकल साथियों, हो गया। देखो तुम्हारे लिए नए पिस्टन पट्टियाँ, वो भी डैलन के पुराने पिस्टन से। एक बड़ा होल। मैं डंप ट्रक और एरिक एक्सकेविटर को इसे भरने के लिए बुला लेता हूँ। अरे नहीं, लगता है बॉबी बस मुश्किल में है। नर्स की कसम, वो टकरा गया। उसे बाहर खींचो टिली। फिक्र मत करो बॉबी, हम तुम्हें ठीक करके सड़क पे वापस पहुंचा देंगे। गैरेज के दरवाजों जल्दी खुल जाओ, एक गाड़ी को सख्त जरूरत है मदद की। अब हम चेक करते हैं प्रॉब्लम क्या है। पहले तुम्हारी आंखें चेक करेंगे। चलो मैकेनिक साथियों। तो तुम्हारी आंखों में तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही है, तुम्हारे पहिए चेक करते हैं। तुम्हारे पहियों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पता चल गया, तुम्हारा एक्सल मुड़ गया है। फिक्र मत करो, हम जल्द ही तुम्हारा एक्सल ठीक कर देंगे। अब तुम टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलोगी, अब एक्सल बिल्कुल ठीक हो गया है। मुझे खुशी है कि हमने बॉबी को ठीक कर दिया। दोस्त की मदद करके बहुत ही अच्छा लगता है। लो हो गया एरिक, अब तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है। मैकेनिक साथियों, ये क्या कर रहे हो? ओह अच्छा, पायरेट्स का खजाना ढूंढ रहे हो क्या? कैसे हो मेरे साथियों? अब ये आवाज कैसी थी? एरिक को शायद कुछ मिला है, शायद
बहुत बड़ा खजाना। ये सब क्या है? ओह येलो, हो सकता है ये सोना ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि खजाना ही ना हो। टडा! ये तो एक पुरानी रेलवे हाथ गाड़ी है, पर कुछ कमी जरूर है इसमें। अरे वाह, एरिक को पुरानी पटरियां मिल ही गई। अब कोशिश करके देखो साथियों। देखा, सिर्फ इसीलिए कि कोई चीज सोना और चांदी नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि खजाना नहीं है। बहुत खूब साथियों। बस हो गया फियोना, ये आ गई तुम्हारी नई सीढ़ी। गेट आराम से। कैसे हो गेको? मैं और हेलेना अपने लूप्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो हमारा कमाल। पहिए लेकर आओ। मुझे थोड़ा और नजदीक जाना होगा। कोशिश कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। नहीं, संभल कर गेको। ब्लू, वो स्किड्स को उठाओ। एक आइडिया है मेरे पास। अभी ब्लू, शुक्र है, एक और बढ़िया लैंडिंग। मदद के लिए शुक्रिया गेको। कोई बात नहीं कैट, ये तो मेरा काम ही है। बहुत अच्छे मैकेनिकल्स गैरेज को अच्छे से साफ और चमका देते हैं। ओह, लगता है कोई कस्टमर आया है। ये तो ट्रक फैमिली है, मम्मी ट्रक, मम्मी रिसाइकल और बेबी ट्रक, जो शायद थोड़ा परेशान है। हिलता हुआ दांत, इसमें घबराने की कोई बात नहीं बेबी ट्रक। इसके निकलने के बाद तुम इसे अपने सिरहाने रख देना और तुम्हें मिलेगा एक सोने का सिक्का। ओ नहीं, छींक आने से बेबी ट्रक का दांत निकल गया। ओ फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो चलो मैकेनिकल्स। याक! सॉरी ग्रीन, ये तो दांत नहीं है। ध्यान से येलो। ओह
हमने सारा गैरेज ढूंढ लिया लेकिन कहीं भी बेबी ट्रक के दांत का कुछ पता नहीं चला। जरा एक मिनट रुको, हमने एक जगह पर अभी नहीं ढूंढा है, ब्लू के डस्टर के अंदर। आहा, ये लो बेबी ट्रक, अब घर जाओ और इसे तकिए के सराहने रख लो, और हम आपसे मिलेंगे और भी नए एडवेंचर्स के साथ गेकोस गैरेज में। बाय। अच्छू। वाव, बहुत अच्छे मैकेनिक साथियों, साफ गैरेज ही हैप्पी गैरेज होता है। अजीब है, लगता है पावर चली गई, शायद सोलर पैनल में कुछ गड़बड़ी हो गई है। ओह डियर, सूरज की किरणें आना बंद हो गई है, पर ये कोई आम बादल नहीं है, हमें जांच करनी चाहिए। हाँ, अब कोशिश करो डिलन। कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा इंजन तो ठीक से काम करना चाहिए, मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं। कैसे हो मिस्टर विल्सन, सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है गेको। मैं हार मानता हूँ। तो मुझे देखने दो डेलन। तो बुरी खबर ये है कि तुम्हारा इंजन निकालना पड़ेगा, पर अच्छी खबर ये है कि मेरे पास बिल्कुल नया इंजन है जो तुम्हारे और लोगों के काम आ सकता है। परफेक्ट। हमें सूरज की मदद लेनी होगी डेलन के इंजन के लिए। जब तक हम डेलन का नया इंजन इंस्टॉल कर रहे हैं, तब तक सोलर पैनल्स की बैटरी बिल्कुल चार्ज हो जाएगी। दिख रही हो डेलन, गुड जॉब ग्रीन। क्लीन ग्राहक यानी हैप्पी ग्राहक, और साफ प्लेनेट यानी हैप्पी प्लेनेट, सही कहा ना? इतना शोर शराबा कैसा? ये तो बैरी बस है, लगता है काफी जल्दी में है। तुम ठीक तो हो ना बैरी? हाँ, तुम्हें डर है ना कि तुम लेट हो जाओगे, लेकिन ऐसे तो तुम कहीं भी नहीं जा पाओगे। रुको, मुझे देखने दो। ग्रीन, मेरा सबसे अच्छा पाना लाओगे प्लीज? ओह ग्रीन, तुम्हें भी टेंशन हो रही है ना? मुझे ऐसा लगता है कि हमें गहरी सांस लेनी होगी। रुको, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तुम एक गहरी सांस अंदर लो और फिर सांस बाहर छोड़ो। अब तुम ट्राई करो, अंदर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छोड़ो, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो बेहतर है ना? याद रखो, अगर टेंशन के वक्त गहरी सांस लोगे तो टेंशन कम हो जाती है। बाय बेरी। स्क्रू ड्राइवर की कसम मैकेनिकल साथियों, दरवाजा पूरी तरह से फंस चुका है,
आवाज तुमसे ही आ रही है टिली। देखो ये तो ट्रिपल ट्रैक्टर है। ओ, लगता है मुझे तुम्हारी जरूरत है। चलो मेरे साथियों। मुझे यकीन नहीं होता है कि काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारे गियर को मरम्मत की जरूरत है, इसलिए तुम्हारे गियर को ऑयल की जरूरत है और दादी गैको का बड़ा और ताकतवर रेंच है। उठाने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। हाँ देखो ये अब बिल्कुल ठीक है। अब कॉक्स एकदम बढ़िया हो गई है। अब ट्राई करो ट्रेवर। भारी सामान उठाने के लिए ट्रैक्टर को अच्छे गियर की जरूरत होती है। शायद ट्रेवर अपनी ताकत से हमारी मदद कर सके। दोस्तों क्या बात है, बढ़िया काम किया टीम। हम जल्दी मिलेंगे ट्रेवर, बाय बाय। हेलो दोस्तों, आज काफी बिजी दिन है। बेबी ट्रक और मैक्स द मॉन्स्टर ट्रक का टायर बदलना है, लेकिन मैक्स है कहाँ? ओह हेलो मैक्स, चलो चलो मैकेनिकल्स। येलो, नहीं येलो का सर दीवार से लग गया। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है रेड और ब्लू। लगता है गड़बड़ हो गई। जल्दी आओ येलो। लगता है टायर्स की अदला बदली हो गई। कोई बात नहीं, गलतियां हम सबसे होती हैं। हमें बस टायर्स वापस लगाने हैं। ओ फिक्र मत करो मैक्स, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। यक। बेबी ट्रक, जानता हूँ तुम्हें मजा आ रहा है, लेकिन वो मैक्स के टायर्स हैं, तो हमें उन्हें वापस करना है। ओ, बहुत अच्छे बेबी ट्रक, बहुत जरूरी है चीजों को लेने के बाद उन्हें वापस करना। आपसे फिर मिलेंगे, बाय। काम हो गया मैकेनिक साथियों। आज क्रिसमस है और गैरेज बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तुम सबको पता है कि तुम्हें सेंटा से क्या चाहिए? ओ, तुम्हें नहीं पता ब्लू? ठीक है जल्दी फैसला करो, सेंटा किसी भी वक्त आते होंगे। मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी आएंगे। ओह, हेलो सेंटा। गेको, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे हिरन बीमार है, मेरी स्ले उड़ नहीं सकती, तो मैं आसमान में उड़ नहीं सकता। और अगर मैंने तोहफे नहीं पहुंचाए, तो इस दुनिया में लड़के और लड़कियां क्रिसमस नहीं मना पाएंगे। हाँ, फिक्र मत कीजिए सेंटा, हम इसे उड़ाएंगे।
के साथियों ने बचा लिया क्रिसमस, तो ये लो एक एक तोहफा तुम सब के लिए। आ, मुझे यही तो चाहिए था। थैंक यू सेंटा। तुमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें क्या चाहिए? हो, तुम मेरी स्लीप पर सवारी करना चाहते हो, तो फिर आ जाओ, चलते हैं खुले आसमान में। गेको के गैरेज की ओर से आप सबको मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। ओ मैकेनिकल, देखो ये है ट्रक फैमिली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये बहुत अच्छी नाव है बेबी ट्रक जो तुमने बनाई है। ओ नहीं, एक टायर। ये बेबी की नाव की तरफ आ रहा है, देखो। थैंक्स मामा। अब हम इस टायर को रिसाइकल करते हैं। हे, देखो इतना कचरा। ये सारा कचरा ऊपर की तरफ से आ रहा है। चलो चलें। तुम यहीं रुको येलो, नाव की रक्षा करो। इतना ज्यादा कचरा, आखिर ये कौन कर रहा है? मिस्टर वीजल, ये क्या कर रहे हैं? ओ, गेको, मैं अपने सारे कचरे से पीछा छुड़ा रहा हूँ। इसके टायर फंस गए। तुम्हें नदी में कचरा नहीं डालना चाहिए मिस्टर वीजल। ओ नहीं, वो बेबी ट्रक और बोट की तरफ सीधा जा रहा है। आपको नदी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, यह नदी को गंदा कर देता है। आप बेबी ट्रक की बोट को लगभग बर्बाद करने वाले थे। एक बोट? मैं तब से बोट से नहीं खेला जब मैं छोटा वीजल था। मेरे पास एक आइडिया है। हम इस कचरे को रिसाइकल करते हैं, पुरानी चीजों से चमकदार नई चीजें बनाएं। मैं आपको दिखाता हूँ। पता का फहराओ, देखो यह अच्छा जहाज आ रहा है। वीजल की बोट आगे बढ़ो, ये बहुत मजेदार है। नदी एक बार फिर साफ हो गई है। दोबारा मिलते हैं, बाय। टीरू। बहुत अच्छे साथियों। ये सब क्या हो रहा है स्क्रू ड्राइवर्स? लगता है कोई बहुत ज्यादा दुखी है। ओ देखो,
ये तो मॉन्स्टर ट्रक और उसकी छोटी बहन मॉली है। हमें उसकी मदद करनी होगी। हेलो मैक्स, हेलो मॉली। हाँ, गोल झूले को ढीला करना होगा। फिक्र मत करो मॉली, ये फिर से घूमने लगेगा। देखो ये तो ट्रक परिवार है। हेलो बेबी ट्रक, क्या तुम्हें पतंग उड़ाने के लिए मदद चाहिए? मुझे एक आइडिया मिल गया है मैकेनिक साथियों, हमें थोड़ा तेल और पानी की जरूरत होगी। ठीक है मेरे साथियों, धक्का लगाओ। अरे इतना तेज नहीं। नर्स की कसम, चक्कर आ रहे हैं। देखो मेरा प्लान काम कर रहा है या नहीं। तैयार मेरे साथियों, इस बार संभल कर। काम कर गया, बहुत बढ़िया साथियों। हाँ, सब बहुत खुश हो गए।